आप चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो या फिर उसका पार्ट हो, चाहे आप किसी भी सोसाइटी से बिलोंग करते हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मगर सच तो यही है, जैसी आवाम होती है वैसा हुक्मरान होता है, और जैसे हम खुद हैं वैसे ही सिस्टम हम चलाते आ रहे हैं। और हम खुद कितने कसूरवार हैं, क्या हमने खुद को आईने में देखा है? जो 10 रुपये की चीज़ में 9 रुपये का मुनाफा रखते हैं, ये हम हैं। स्टॉक मार्केट में अपनी बोटी के लिए क्लाइंट का गला काटने वाले हम ही तो हैं। 60 रुपये की चीनी 110 रुपये करने वाले और कोई नहीं, हम ही हैं। कोरोना के वक्त लाशों का बड़ी कीमतों में सौदा करने वाले कोई और नहीं, हम ही हैं। 30 रुपये टमाटर 300 के दाम में बेचने वाले हम ही हैं। 50 रुपये डीजल की कीमत बढ़ा के ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट 300 पे बढ़ती है, इसके पीछे कौन है? ये हम ही तो हैं। एक रात के लिए 4,000 का कमरा 50,000 पे रेंट पे देने वाले हम ही तो हैं। अफसोस के साथ नाप तोल में कमी करने वाले, ज़खीरा अंदोजी करने वाले, इम्पोर्टेड गाड़ियाँ जो 50,000 किलोमीटर चली हों उसको 25,000 का कहने वाले हम ही हैं। वोट्स के नाम पे धांधली करने वाले हम ही हैं। और तो और जिसको जिस तबके में जहाँ मौका मिला वहाँ लूट मार मचाने वाले और कौन हैं? हम ही तो हैं। लॉकडाउन की खबर सुनते ही दवाइयों की कीमत में दोगुना इजाफा करने वाले हम ही हैं। ये जो मरीज़ों की मजबूरी देखते ही वेंटिलेटर के चार्जेस आसमानों पे पहुंचा देते हैं, ये हम ही तो हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बिजनेस का धंधा बनाने वाले हम ही हैं। और तो और मुख्तसर ये कि मुल्क के निज़ाम को बर्बाद करने वाले कोई और नहीं, हम ही हैं। ज़रा सोचिए, क्या हमने इतनी कुर्बानियाँ इसलिए दी थीं? क्योंकि हिसाब तो हम सबको ही देना है।